टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, ईवेस चौराहा, मेरठ। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट। पतंग तो सभी ने खूब देखी होगी और उड़ाई भी होगी, आसमान में उड़ती और इटलाती ये सभी पतंग कागज की बनी होती है। लेकिन मेरठ के अरिहंत ज्वेलर्स ने सोने की पतंग बनाकर सभी लोगों को हैरत में डाल दिया। 22 कैरेट की इस पतंग डोरी व चरखी को बनाने में करीब 15 दिन का समय लग गया। इन्हें बनाने में 300 ग्राम सोने का इस्तेमाल किया गया है। 21 लाख रुपए की कीमत की इस पतंग को जिसने भी देखा उसके मुंह से बरबस ही निकल गया। वाह क्या बात है। आज फर्स्ट बाइट टीवी की संवाददाता नीलोफर अंसारी ने अरिहंत ज्वेलर के निदेशक रितेश जैन से इस बारे में यह जानकारी ली। आज हम मौजूद हैं अरिहंत ज्वेलर्स, जहां पर बसंत पंचमी के मौके पर ये सोने की पतंग बनाई गई है, पूरे 21 लाख रुपए की है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहां के ऑनर। आइए इनसे बात करते हैं कि कहां से इनके दिमाग में प्रेरणा आई इस पतंग को बनाने की। सर, पहले तो फर्स्ट बाइट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। कहां से आपके दिमाग में ये पतंग बनाने की प्रेरणा आई, कहां से, मतलब कैसे सोचा आपने? हर दफा नया सोच, नई चीज, इस बात मन ही आया चलो बसंत पंचमी पर, और शुरू से पतंग उड़ाने का मन में शौक है ही, हर साल उड़ाते ही हैं बसंत पंचमी पर, तो मन में ये आया चलो इस बार सोने की पतंग बनाई जाए। अच्छा, इससे पहले भी आपने इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं कि पतंग के अलावा कुछ और चीज़ ऐसी बनाई हो? बस पतंग के अलावा तो विशेष ऐसी आइटम बनाई तो बहुत सारी हैं, पहले पर्टिकुलर इस तरह की नहीं बनाई है। बाकी अच्छा, सेट हैं, चूड़ी हैं, अंगूठी हैं, ये बनाए छोटे बड़े साइज। कितने लोग इसमें लगे हैं और इसको बनाने में कितने लोगों की मेहनत लगी है और कितने दिन में जाकर ये बनी है? ये लगभग 7-8 आदमियों ने 15-16 दिन में बनाई है। और इसकी खासियत क्या है थोड़ी सी बताएं आप, इसमें क्या अलग अलग चीज़ है? ये 92% सोने की है। अच्छा, अब इसका क्या होगा, इसको सिर्फ सजाया जाएगा क्या, फिर कुछ यूज़ भी होगा इसका? फिलहाल तो एग्जीबिशन पे हिसाब से बनवाई थी, हमारे मेरठ 8-9-10 तारीख को एग्जीबिशन थी मेरठ में, तो उस पर्पज से बनवाई थी, तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद करी, और जितने भी मतलब वहाँ पर सेलिब्रिटी आए हुए थे, चाहे राजेंद्र जी थे, चाहे अमित अग्रवाल जी थे, बॉम्बे से हमारे मनीष बाजवा वो आए हुए थे, अनामिक अम्बर, सौरभ जैन, सबने इसका पूरा पूरा मजा उठाया। अच्छा, आपको लगता है कोई इसको खरीदेगा या फिर बनवाने के लिए बोलेगा आगे इसको देखने के बाद? इतनी बड़ी नहीं, इससे थोड़ी छोटी की डिमांड आने की उम्मीद है, और आ भी रहे हैं लोगों के फ़ोन कि थोड़ा सा मतलब 5 लाख में, 6 लाख में, 4 लाख में डिमांड है। अच्छा, इसमें जो मेहनत लगी है वो आपकी शॉप के ही या फिर कहीं बाहर से भी आपने हायर किए हैं? बस हमारे ही है मेन, तो जो हमारा रेगुलर काम करते हैं 12 महीने, उन्होंने ही कराई है। वो बैठे बैठे प्लानिंग होती लगती है, इस तरह पतंग बनाने का मन है, तो उन्होंने सबने मिलकर इसे बनाना चालू करा। ठीक है। इस मौके पर मौजूद निदेशक नितेश जैन के बेटे सिद्धार्थ ने यह बताया। हमारे साथ सिद्धार्थ मौजूद हैं जो कि ऑनर हैं अरिहंत ज्वेलर्स के, इनसे जानते हैं इस पतंग की खासियत। सिद्धार्थ, आप बताएं इस पतंग में क्या खास बात है? इस पतंग में खास बात ऐसी है कि आज तक अभी किसी दिमाग में ये चीज़ नहीं आई कि सोने की पतंग बना सकते हैं हम भी, तो हमने इस बार सोचा कि कुछ डिफरेंट करते हैं इस बार, तो हमने इस बार सोने की पतंग बनवाई है, जिसमें हमने आप देख सकते हैं कि चरखी से लेकर सदी तक सब सोने की बनवा रखी है, तो काफ़ी लोगों को ये हमारा आइडिया बहुत पसंद आया और लोग इसकी काफ़ी मतलब अच्छा ही कर रहे हैं, और लोग हमें काफ़ी चीज़ के लिए कॉन्ग्रेट्स कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा प्लान किया इस चीज़ का। अच्छा, आपने भी इसमें आप थोड़ी हेल्प की है बनाने में, आपका भी हाथ लगा है एक तरह से? बस मेरे हेल्प एक तो आप कह सकते हैं फिजिकली नहीं, बट हाँ मेंटली मैंने क्या हेल्प करी है इस चीज़ में। अच्छा, ये आइडिया किसका था, किसके माइंड में आया सबसे पहले कि सोने की पतंग बनाए? ये आइडिया वैसे मेरे तो फादर के दिमाग में आया था कि सोने की पतंग बनाते हैं, क्योंकि शुरू से ही पतंग का बहुत शौक रहा है हम सबको। हाँ। मेरठ में काफ़ी ये उत्साह, मतलब बसंत पंचमी काफ़ी उत्साह से बनाई जाती है, तो इस बार सोचा था कि इस बार बसंत पंचमी के तौर पर और रिपब्लिक डे भी था, तो सोचा कि कुछ अच्छा, कुछ डिफरेंट करते हैं जिससे लोग थोड़ा सा इस चीज़ को देखें। अच्छा, अभी तो आपने पतंग बनाई है, अब पतंग जैसे कि आपको बहुत अप्रिशिएट भी किया गया है लोगों द्वारा, तारीफ भी बहुत हो रही है आपकी, तो इसके बाद आप क्या सोच रहे हैं, कुछ और भी बनाएंगे ऐसा इन फ्यूचर? अगर देखिए, वैसे हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि लोग इस चीज़ को इतना अच्छा कहेंगे, अब इससे हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिला है, तो हम सोचेंगे कि आगे इन फ्यूचर इससे भी अच्छा कुछ कर पाएँ। अब आप तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे लाइक दिस?
हाँ मान लो कभी किसी टाइम पे हम बसंत पंचमी जैसे आप पतंग हो गई, दिवाली पे पटाखे हो गए या होली पे। अच्छा सोने के पटाखे भी बनाएंगे आप? हाँ अगर ये अच्छा रहा तो सोने के पटाखे जरूर बनवाएंगे। सोने के पटाखे वो भी दिखाने के ही होंगे सिर्फ? हाँ दिखाने के लिए ही है ये सब, तो ये सब डिस्प्ले का ही आइटम है। नहीं ये खैर उड़नी भी नहीं चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना वे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।